हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। टेक्निकल टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं चैनल का होस्ट T2। तो फिर गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का कैसे इंस्टॉल करें फुल वर्जन में, और फिर वो भी लाइफ टाइम के यूज़ के लिए। इसके लिए आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, इधर से फुल्ली अनलॉक्ड कैसे इंस्टॉल करें वही दिखाना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फिर आपको सबसे पहले इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर आप जाके इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को डाउनलोड कर लीजिएगा OVG फाइल में। ओके, इसके बाद चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इधर ही एक्सट्रैक्ट है, तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारा ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और ये वाला सेटअप फाइल है, ये इंफॉर्मेशन एंड एक क्रिक फाइल फॉलो अस। तो फिर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सेटअप फाइल है इसको इंस्टॉल करिए। डबल क्लिक कीजिए, इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और नेक्स्ट टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए, लाइसेंस पढ़ लीजिए पूरा ही, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट, क्रिएट आइकॉन डेस्कटॉप, नेक्स्ट नेक्स्ट। और फिर गाइस, आपको इधर ध्यान देना है कि इंस्टॉल होने के बाद आपको इधर रुक जाना है और कुछ भी नहीं करना है। मेरे दिखाए हुए स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, इसको साइड में रख दीजिए, फिनिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, इसके बाद आप चले जाइए इधर क्रैक फोल्डर में, क्रैक फोल्डर को आप ओपन कीजिए। उधर में आपको IDM मैन का एक सेटअप फाइल मिल जाएगा, उसको आप कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए। और फिर आप चले जाइए ड्राइव सी में, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये वाला फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। रिप्लेस मांगेगा, इधर आप रिप्लेस कर दीजिए फाइल को, कंटिन्यू, ये वाला फाइल रिप्लेस हो जाएगा। और फिर आप बैक में आ जाइए एंड आपका PC 32 बिट्स और 64 बिट कोई भी हो, आप अगर आपका PC 64 बिट है तो फिर 64 में जाके इसको डबल क्लिक कीजिए, और डबल क्लिक करके इसको आप रन कीजिए। अगर आपका PC 32 बिट्स है तो फिर x86 को रन कीजिए। जी, मेरा PC 64 बिट है तो फिर मैं इसको 64 में डबल क्लिक करके इसको यस कर दूंगा और रन कर दूंगा। और फिर आपको इधर पूरा काम ख़त्म हो गया, तो फिर चलिए देखते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को ओपन करके, उसको फिनिश करिए और ओपन कीजिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को। तो फिर आपको इधर एक गूगल क्रोम इंटीग्रेशन का एक मैसेज आएगा पॉपअप, इसको आप क्लोज कर दीजिए और थोड़ा रुकिए। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओके, कैंसिल। तो फिर गाइस, आप इधर देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर 6.35 वाला वर्जन ऑन हो चुका है। और फिर इसको हम चेक करेंगे इधर रजिस्ट्रेशन में जाके कि रजिस्ट्रेशन मांग रहा है कि नहीं। तो फिर इधर आप देख सकते हैं कोई रजिस्ट्रेशन मांग नहीं रहा है, वो बिल्कुल फ्री, एकदम लाइफ टाइम के लिए फ्री हो चुका है। तो फिर गाइस, आप ऐसे ही इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को डाउनलोड करके लाइफ टाइम के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं।
तो फिर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा आपको सहायता करने की। तो फिर गाइस मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद लास्ट तक एंड तक देखने के लिए वीडियो।